क्या फर्क पड़ता है मैं आऊं या नहीं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, जैसे क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं, क्या फर्क पड़ता है मैं फेल हो जाऊं या पास, क्या फर्क पड़ता है वो जीते या हारे, क्या फर्क पड़ता है मौसम साफ हो या नहीं। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, यानी आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर कैसे। आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। क्या फर्क पड़ता है मैं आऊं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर आई कम और नॉट। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, उसके बाद आप लिखेंगे वेदर, फिर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे और फिर और के साथ वो मैटर लिखेंगे जो आगे आया हुआ है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर आई लिव और डाई। यानी क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं, क्या फर्क पड़ता है मैं एग्जाम में पास हूं या फेल, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर आई पास और फेल इन द एग्जामिनेशन। यानी क्या फर्क पड़ता है मैं इम्तिहान में पास हूं या फेल, क्या फर्क पड़ता है वो जीते या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर ही विंस और नॉट। क्या फर्क पड़ता है वो पार्टी अटेंड करे या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर ही अटेंड्स द पार्टी और नॉट। यानी क्या फर्क पड़ता है वो पार्टी अटेंड करे या नहीं, क्या फर्क पड़ता है मौसम साफ हो या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर इट इज क्लियर वेदर और नॉट। यानी क्या फर्क पड़ता है मौसम साफ हो या नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो क्या फर्क पड़ता है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप कहेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब, फिर और के साथ आप वो वर्ड लिखेंगे जो आप कहना चाहें। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।